नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या विपक्ष की सरकारें गिराने वाला, विपक्षी पार्टियां तोड़ने वाला ऑपरेशन लोटस फिर से शुरू हो गया है? और क्या महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के नेता एक बार फिर से ईडी और सीबीआई के रडार पर है? और क्या झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार फिर से गिराने का गेम शुरू हो गया है? अब दोस्तों, ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, दरअसल ये सच्चाई है कि खेल फिर से शुरू हो गया है। अब दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको मोदी और शाह का, आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ऑपरेशन, हाई प्रोफाइल ऑपरेशन लोटस के अंदर की कहानी बताने जा रहा हूं कि पर्दे के पीछे किस तरह से खेल किया जाता है, जिसका रिमोट दिल्ली में रहता है। सरकारें कहीं महाराष्ट्र में गिरती हैं तो कहीं कर्नाटक में गिरती हैं। आज ये खेल आपके सामने मैं खोलने जा रहा हूं और मेरी गुजारिश है कि आप एक एक बात को जरा ध्यान से नोट कीजिएगा, कहानी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और कहानी की शुरुआत तो आज ही हो गई, आज उस वक्त हुई जब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, इनके बड़े अजीज दोस्त, इनके बड़े करीबी नेता, सबसे वफादार नेता, नंबर टू नेता चंपई सोरेन साहब अचानक रांची से फ्लाइट से दिल्ली आ थमके। अब जब ये दिल्ली आए चंपई सोरेन साहब, तो खबर ये बताई गई कि इनकी यहाँ मुलाकात बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से होने जा रही है, चाणक्य टाइप नेताओं से इनकी मुलाकात होने जा रही है। और ये अकेले ही नहीं हैं, इनके साथ कुछ 4-5 विधायक और हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की पार्टी के। और खबर ये भी है कि बहुत जल्द चंपई सोरेन साहब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। अब दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, इसका सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आप सुनिए, तब आपको ये ऑपरेशन लोटस समझ में आ जाएगा। अब ये जो चंपई सोरेन साहब हैं, ये हेमंत सोरेन के परिवार के सबसे लॉयल, सबसे वफादार, हेमंत सोरेन के जो पिताजी हैं शुभू सोरेन, उनके भी बड़े लॉयल, बड़े वफादार, बड़े मिलनसार इनको माना गया। इसलिए जब हेमंत सोरेन को जब जेल भेजा गया एक फर्जी मामले में, उस वक्त हेमंत सोरेन से कहा गया कि भाई आप अपनी कुर्सी पर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को बैठा दीजिए, बढ़िया भाषण देती हैं, तेज हैं, काबिल हैं। हेमंत सोरेन ने कहा नहीं, पत्नी को नहीं बैठाऊंगा, मैं चंपई सोरेन साहब को बनाऊंगा, क्योंकि ये हमारे परिवार के लॉयल हैं, ये हमारे वफादार हैं, ही इज द मोस्ट लॉयल पर्सन। और साहब, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और जैसे ही चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, नंबर टू बने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में, यानी हेमंत सोरेन के बाद नंबर टू, उसी के बाद से वो चाहे फिर आप कह सकते हैं गृह मंत्री हो, वो चाहे गवर्नर हो झारखंड के, वो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, जिसको देखे बीजेपी का हर बड़ा नेता चंपई सोरेन के डोरे डालने लग गया, हर आदमी बीजेपी का तारीफ करने लग गया, कसीदे पढ़ने लग गया, चंपई सोरेन का दिल जीतने लग गया। और फिर हुआ क्या, आज हमें पता लगा कि चंपई सोरेन जो नंबर टू थे, सबसे वफादार थे हेमंत सोरेन के, वो बीजेपी के मेहमान बन गए। हालांकि अभी तक चंपई सोरेन ने अपने कार्ड नहीं खोले, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन अब बीजेपी के बिल्कुल करीब हो चुके, ऐसे ही करीब हुए जैसे एकनाथ शिंदे हो गए। अब दोस्तों, ऑपरेशन लोटस में मैंने चंपई सोरेन का जिक्र किया, तो फिर मैंने, आप कहेंगे, एकनाथ शिंदे का भी जिक्र कर दिया। एकनाथ शिंदे का जिक्र इसलिए किया क्योंकि एकनाथ शिंदे भी कभी चंपई सोरेन टाइप थे, ये भी, जी हाँ, एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे के सबसे खास थे, सबसे वफादार। ठाकरे साहब हर जगह कहते थे द मोस्ट लॉयल मैन, सारी जिम्मेदारियां शिंदे साहब को दी जा रही थी, द मोस्ट लॉयल, वफादार। और जब नंबर टू हो गए एकनाथ शिंदे, उसी वक्त बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने, अगेन अमित शाह, मोदी जी, महाराष्ट्र के गवर्नर और महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस जैसे, सब के सब
डोरे डालने लगे एकनाथ शिंदे को, और एक दिन या एक रात अचानक एक बस भर के विधायकों की शिवसेना के, एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ दी और वो सूरत होते हुए गुवाहाटी आ पहुंचे। एकनाथ शिंदे बीजेपी के हो गए नंबर टू, यानी जो नंबर टू है विपक्ष की पार्टी में वो कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर बीजेपी का हो जाता है। ऑपरेशन लोटस की ये एक सच्चाई है। अब दोस्तों ऑपरेशन लोटस की मैं धीरे धीरे जैसे परते खोलता जा रहा हूँ, कहानी भी थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होगी आपको, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको और बता रहा हूँ। जैसे महाराष्ट्र में ये जो शिंदे साहब हैं नंबर टू थे और नंबर वन उद्धव ठाकरे के थे, जब उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया तो शिंदे साहब का दिल जीता गया, और आज जब हेमंत सोरेन नंबर एक हैं, मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, विपक्ष के हैं, इंडिया अलायंस के हैं, इनके नंबर टू को तोड़ा जा रहा है। जी हाँ, जब हेमंत सोरेन के नंबर टू को तोड़ा गया और जब ठाकरे उद्धव ठाकरे के नंबर टू को तोड़ा गया, तो एक आदमी बड़ा कॉमन था और वो आदमी जो साहब थे वो ये साहब थे, हेमंता बिस्व शर्मा। लोग कहते हैं कि साहब अगर अमित शाह चाणक्य हैं तो ये बीजेपी के आज की तारीख में मिनी चाणक्य हैं। यानी जिस तरह से ठाकरे से एकनाथ शिंदे को जब तोड़ा गया तो सारे इंतजाम गुवाहाटी में हेमंत बिस्व शर्मा ने किए थे। जी हाँ, एक फाइव स्टार होटल में बाकायदा एकनाथ शिंदे और उनके बागी विधायकों को रुकाया गया, और आप कह सकते हैं कि रिमोट भले ही मोदी जी के हाथ में हो या अमित शाह के हाथ में हो, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे थे। यानी मेहमान एकनाथ शिंदे थे, मेज़बान ये साहब थे, सारा ऑपरेशन इन्हीं का था, और वाकई सरकार गिराई, 10 में 10 नंबर इनको मिलते हैं। कॉमन पॉइंट क्या है, इनका जिक्र मैंने क्यों किया, क्योंकि यही हेमंत बिस्व शर्मा इनको अब झारखंड भेजा गया है, और हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के झारखंड में सहप्रभारी हैं। आप कह सकते हैं कि सारी जिम्मेदारी झारखंड में अमित शाह ने इनको दे रखी है, हेमंत बिस्व शर्मा को। मुझे लगता है कि अब पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों ऑपरेशन लोटस का जो मूल मंत्र है, मुझे लगता है वो आप धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, और मूल मंत्र यही है कि अगर कोई सरकार गिरानी है तो मुख्यमंत्री का जो नंबर टू है उसे तोड़ लो। जैसे उद्धव ठाकरे जब चीफ मिनिस्टर थे तो एकनाथ शिंदे नंबर टू थे, उनको तोड़ लिया गया। जिस तरह से दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे तो उनके नंबर टू मनीष सिसोदिया को घेर लिया, हालांकि मनीष सिसोदिया अमित शाह के झांसे में कभी आए नहीं, वो लॉयल थे केजरीवाल के और अभी भी लॉयल हैं। तो मनीष सिसोदिया को घेरा गया, उनको रडार पे लाया गया सीबीआई के, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको जेल भेजा गया, 17 महीने तक जेल में रखा। लेकिन मैं ये कहूँगा मनीष सिसोदिया ने कहीं ना कहीं केजरीवाल के नमक की, पार्टी के नमक की कीमत अदा की, आज भी वो केजरीवाल के साथ है। लेकिन झारखंड में आपने देखा, झारखंड में आपने ये देखा कि किस तरह से हेमंत सोरेन के सबसे चहेते विधायक, जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था, आज वो बीजेपी के चहेते हो गए। यानी कहीं ना कहीं नंबर दो को तोड़ो और फिर पार्टी तोड़ो, सरकार गिरा दो। और शायद इसीलिए हेमंत सोरेन साहब का जो दिल का दर्द है आज निकला। उन्होंने कहा ये जो गुजरात लॉबी है कहीं ना कहीं विधायक तोड़ती है, परिवार तोड़ती, बहुत कुछ करती गुजरात लॉबी, और जनता से कहा कि बस एक बार आप बटन दबा दीजिए, इस गुजरात लॉबी को वापस गुजरात भेजूंगा। हम तो बोलता है चुनौती देता है, आज घंटी बजाओ कल इनका हम सफाया करेंगे, झाड़ू पोछा मार करके इनको गुजरात भेज देना होगा। अब दोस्तों एक पॉइंट रह गया ऑपरेशन लोटस का, वो पॉइंट ये है कि ऑपरेशन लोटस वहीं शुरू होता है जहां बीजेपी की जमीन कमजोर होती है। वो चाहे कभी कर्नाटक रहा हो या फिर वो महाराष्ट्र रहा हो या दिल्ली में कोशिश हुई हो या राजस्थान जब अशोक गहलोत थे तब कोशिश हुई हो या वो झारखंड में कोशिश हुई हो, ऑपरेशन लोटस वहीं अंजाम देने की उसे कोशिश होती है जहां बीजेपी कमज़ोर ज़मीन पर होती। तो सवाल मेरा आज का ये द बिग क्वेश्चन ये है कि क्या महाराष्ट्र और झारखंड जहां चुनाव होंगे, कश्मीर और हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद चुनाव होंगे वहां दिवाली के बाद, क्या महाराष्ट्र और झारखंड जहां चुनाव होने हैं दिवाली के बाद, वहां बीजेपी के हाथ से
गेम निकल रहा है, मोदी जी के हाथ से गेम निकल रहा है। क्या बीजेपी हरियाणा की तरह महाराष्ट्र और झारखंड में भी मैदान धीरे धीरे खोती चली जा रही है, हार के करीब है, और उसी फ्रस्ट्रेशन में, उसी की भरपाई में ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ है? ये बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। और इसलिए मैं आज दो खास मेहमान लेके आया हूँ। आज आनंद कुमार होंगे, झारखंड को समझते हैं और झारखंड की धरती से ही वो हमारे साथ आज कनेक्ट हुए हैं। और मैं एक चीज़ आनंद जी के बारे में कहना चाहूँगा कि झारखंड में बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जो खुलकर कैमरे पर सच बोलते हैं। आनंद कुमार इज़ वन ऑफ देम। उनको सुनिएगा, ज़रूर सुनिएगा, पिक्चर क्लियर होगी ऑपरेशन लोटस की भी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा भी होंगे, उनकी भी सिनॉप्सिस को समझना ज़रूरी है पूरी पिक्चर जानने के लिए। मैं समय नहीं लूँगा, चलता हूँ सीधे आनंद कुमार जी के पास और उमाकांत लखेड़ा साहब के पास। जो मेरा सवाल है कि दिवाली से पहले, दिवाली से पहले क्या अमित शाह, जिन्होंने ऑपरेशन लोटस शुरू किया है, क्या वो शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे और शरद पवार और झारखंड में हेमंत सोरेन, इनकी पार्टियों को डिस्टेबलाइज कर सकते? क्या आज की तारीख में अमित शाह उस स्थिति में है, उस स्थिति में है कि वो तोड़फोड़ कर ले जाएंगे? देखिए उनकी कोशिश है, ये लास्ट डिच एफर्ट जिसको बोलते हैं कि इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। अगर वहां तोड़फोड़ नहीं करते आप महाराष्ट्र में, जो अभी एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं और जो शरद पवार साहब है या कांग्रेस है, वहां इन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले पहले तो बड़ी भारी तोड़फोड़ की। अब जो इनकी जो कोशिश है कि थोड़ा इलेक्शन को डिले किया जाए, थोड़ा और तोड़फोड़ की जाए और मैनेजमेंट किया जाए, कुछ जो जो टोटके इन्होंने राजस्थान मध्य प्रदेश में किसी जमाने में लाडली बहन योजना तमाम योजना चालू की, वो वहां किया जाए और इन पार्टियों को कमजोर करके थोड़ा खंडित खंडित करके थोड़ा उसका फायदा उठाया जाए। क्योंकि हारे तो हुए हैं, महाराष्ट्र में हारने जीतने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, तो हारना ही है। झारखंड में भी आज की तारीख में मैसिव जो मेरी रिपोर्ट है कि बहुत ज्यादा समर्थन है ट्राइबल्स का, 90% ट्राइबल जो है पूरा मैसिव सपोर्ट सिब्बू सोरेन के साथ है। और इनकी चिंता ये है कि सिब्बू सोरेन को कमजोर कैसे किया जाए, हेमंत सोरेन को और कमजोर कैसे किया जाए, उसका एक ही फंडा है कि उनकी पार्टी तोड़ दो। मैं आनंद जी के पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल यहाँ पूछ रहा हूँ, क्या ये एक संयोग है या ये प्रयोग है कि महाराष्ट्र में जब सरकार टूटी थी, महाराष्ट्र में जब शिवसेना को अमित शाह साहब ने तोड़ दिया था, तो हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, हेमंत बिस्व शर्मा उस ऑपरेशन को संभाल रहे थे, एकनाथ शिंदे अपने बागी विधायकों की फौज लेके गुवाहाटी में रुके थे और असम के मुख्यमंत्री को हमने बाकायदा देखा कैमरे पर कि वो मिल रहे हैं, सारे इंतजाम कर रहे हैं। वही हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं अब वो झारखंड में कदम रख चुके, सह प्रभारी हैं। तो ये क्या हेमंत बिस्व शर्मा को वहां भेजना, झारखंड भेजना, जिन्होंने महाराष्ट्र में एक सफल प्रयोग किया, ये क्या संयोग है या प्रयोग है या एक सोची समझी नीति के तहत उनको वहां भेजा गया है? सोची समझी नीति भी है, संयोग भी है, प्रयोग भी है, सारे काम हो रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि चूंकि झारखंड में फ्लाइट पकड़ो, 1.5 घंटे में आप गुवाहाटी चले जाओ और फिर वहां से आ जाओ, तो वहां एक रीजनल जिसको कहते हैं कंट्रोल रूम, तो एक कंट्रोल रूम नॉर्थ ईस्ट का है, वहां से आप कंट्रोल करो। तो झारखंड जो है मैं उसी तरह का एक प्रोजेक्ट है जिसको ऑपरेशन लोटस कहेंगे। उस लोटस के तहत यह है कि भाई चुनाव सर पर है, ये जाते जाते कुछ मिल जाए, भागते चोर की लंगूठी, कुछ आपका हाथ लग जाए और उसमें आप हेमंत बिस्व शर्मा की सेवाएं लें जो इन चीजों में बड़े महारत उनको हासिल है। आप कह रहे हैं कि साहब भागते चोर की लंगूठी मिल जाए, जाते जाते कुछ तो मिल जाए, 4-5 विधायकों से इस्तीफा ही करा दें। और इसीलिए नाइट वॉचमैन की तरह अमित शाह के सबसे खास सिपहसालार हेमंत बिस्व शर्मा वो झारखंड में कदम रख चुके हैं। अब झारखंड में कदम रखने के बाद झारखंड की धरती कितनी हिली है, जरा मैं आनंद जी से मुखातिब होना चाह रहा हूँ। आनंद जी, क्या वाकई हेमंत बिस्व शर्मा और जो अमित शाह की टीम वहां सक्रिय हो गई है और ईडी के और सीबीआई के डायरेक्टर की तो नजर हो गई आपके स्टेट में, क्या आपको लगता है जिस तरह से चंपाई सोरेन को तोड़ा गया, तोड़ के मिलाया जा रहा है, हालांकि अभी ऑफिशियली नहीं वो बीजेपी में शामिल हुए,
क्या आपको लगता है कि अमित शाह एक बार फिर से कामयाब हो जाएंगे हेमंत सोरेन की सरकार को डिस्टेबलाइज करने में, उसको बिखेरने में? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं आपको थोड़ा इससे पीछे ले चलता हूँ। 2019 के दिसंबर में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी, उसके 2-3 महीने बाद से बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि हेमंत सोरेन की सरकार को किसी न किसी तरह से डिस्टेबलाइज किया जाए, गिरा दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस के जो आपने जिक्र किया कि कुछ दिन पहले विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई थी, उसके पहले भी एक कोशिश हुई थी। महाराष्ट्र बीजेपी के जो अभी अध्यक्ष हैं बावनकुले साहब, उनका नाम आया था, उनके कुछ लोग आके रांची में ठहरे थे और उस समय 4-5 कांग्रेस के विधायकों के नाम आए थे जिनके बारे में कहा गया था कि इन्होंने बाकायदा पेमेंट ले लिया है और किसी भी समय सरकार गिरा देंगे। ये आपको याद होगा 2019। तो वो प्रयोग सफल नहीं हुआ, उसको उसको समय रहते हेमंत सोरेन ने मैनेज कर लिया। उसके बाद भी बड़ी सारी कोशिशें हुई और जो स्थिति अभी झारखंड की है, इन्होंने लोकसभा में शिबू सोरेन की बड़ी बहू को शामिल करा लिया, मधु कोड़ा की पत्नी को इन्होंने शामिल करा लिया और इसके बावजूद भाजपा में, और उसके बाद भाजपा जो झारखंड में ट्राइबल के लिए 5 रिजर्व सीटें हैं लोकसभा की, वो 5 सीटों हार गई। पहले तो उसके पास, पहले बीजेपी के पास 3 ट्राइबल सीटें थी, दुमका की सीट थी और उसके बाद आपकी खूंटी की सीट थी और एक और सीट थी लोहरदगा की सीट थी, लेकिन तीनों सीटें बीजेपी हार गई और पहले से जो सीट उसके पास नहीं थी सिंहभूम की और राजमहल की, तो 5 लोकसभा की ट्राइबल सीटें आरक्षित हैं कुल 14 में से, वो 5 हार गई। तो ये देख के बीजेपी को लग रहा है कि जमीन से तो हमारा सफाया हो गया यहाँ से, और पूरा 90% अभी उमाकांत जी कह रहे थे, मुझे लगता है कि 95-98% आदिवासी आज की तारीख में के साथ है। और आप कह रहे हैं आनंद जी, आप कह रहे हैं कि झारखंड में 95% से ज्यादा आदिवासी वो हेमंत सोरेन के साथ है। जब से हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी मोदी सरकार ने, बाद में अदालत ने कहा कि साहब ये तो केस ही नहीं बनता था और उनको डबल सिंपैथी मिली। ये बताइए, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, बाकी देश के लोग भी सुनना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे, अगर 95% झारखंड में अगर 95% आदिवासी अगर एक पार्टी की तरफ वो चला जाए तो क्या वो चुनाव जीत सकते हैं? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा, नहीं नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को सपोर्ट मिल जाए 95% आदिवासियों का, तो क्या खेल पलट देगा पूरी तरह से, फिर बीजेपी जीत नहीं सकती? बीजेपी आज की तारीख में नहीं जीत रही है बीजेपी चुनाव। बीजेपी के पास 25 सीटें हैं और भाजपा के लोगों से ही मेरी बात हो रही है लगातार कई महीनों से, वे खुद कह रहे हैं कि इस बार हम 18 से 22 सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये बीजेपी बोल रही है जी। झारखंड में 81 विधानसभा की सीटें हैं, 28 सीटें सिर्फ ट्राइबल के लिए रिजर्व हैं, 28 सीटों में 26 सीटें इंडिया अलायंस के पास है, 2 सीटें सिर्फ बीजेपी के पास है। 2019 के चुनाव की बात कर रहा हूं, आज स्थिति पूरी तरह से बदली हुई। इस बार तो 28 में एक भी सीट मिल जाएगी तो बड़ी बात होगी। और चंपई सोरेन को तोड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण भी यही है, इनको लग रहा है कि चंपई सोरेन बहुत बड़े नेता हैं। आप चंपई सोरेन विकिपीडिया पर जाइए, सरायकेला विधानसभा सीट का आप जो विश्लेषण है देखिए, चंपई सोरेन पहला चुनाव 800 कुछ वोटों से जीते, उसके बाद 1500 कुछ वोटों से जीते, फिर 1100 कुछ वोटों से जीते। सिर्फ 2019 का चुनाव जिसमें हेमंत सोरेन की लहर चल रही थी, वो चुनाव उन्होंने 15,000 वोट से जीता था। चलिए, तो मैं दूसरी एक चलिए वो ठीक है, वो कितने से जीते कितने से हारे मैं उसमें नहीं, मैं एक बुनियादी सवाल कर रहा हूँ मैं, और बड़ा साफ जवाब आपसे आनंद साहब जानना चाहता हूँ, फिर मैं लकड़ा साग पर जाऊंगा। जिस वक्त हेमंत सोरेन के हाथों में हथकड़ियां पहनाई जानी थी, पूरी तरह से ईडी उनको घेर चुकी थी और आप कह सकते हैं कि उनका जेल जाना तय था, भले ही मुकदमा असली था फर्जी था जो भी था, उस वक्त एक विकल्प था हेमंत सोरेन के पास कि भैया अपनी पत्नी जो इतना अच्छा भाषण देती है, मैं अपनी पत्नी को इस कुर्सी पर बैठा दूं। उन्होंने अपनी पत्नी को कुर्सी पर ना बैठाकर चंपई सोरेन को कुर्सी पर बैठाया मुख्यमंत्री, और वो चंपई सोरेन आज हेमंत सोरेन से अलग हो गए, आज वो कह रहे हैं मेरा अपमान किया गया। क्या ये एक बीजेपी की स्क्रिप्ट है? क्या बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं चंपई सोरेन? और जब वो मुख्यमंत्री बने थे तभी उनके उनको लेकर खेल कर दिया था बीजेपी ने? नहीं, मुख्यमंत्री बने थे तो खेल नहीं हुआ था, मुख्यमंत्री से जब वो हटे
क्योंकि आपने जैसा कहा कल्पना सोरेन का ऑप्शन था, उनके पास अपने भाई का भी ऑप्शन था, उनके भाई विधायक थे उस समय दुमका से, तो भाई को बना सकते थे, पिताजी को बना सकते थे जब उनको पता था 4-5 महीने के लिए बनाना है, लेकिन उन्होंने चंपाई सोरेन को इसलिए बनाया क्योंकि उनके पिताजी के पुराने दोस्त थे, वफादार थे, और सबसे बड़ी बात कि चंपाई सोरेन के साथ ये खतरा नहीं था कि वो 4-5-6 विधायक तोड़ पाएंगे, क्योंकि चंपाई सोरेन के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो बीजेपी ने क्या किया, जब उनको इस्तीफा देना पड़ा हेमंत सोरेन के लिए, उस दिन से बीजेपी के नेताओं ने, खास करके जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी और हेमंता विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने लगातार उनकी तारीफ करनी शुरू की। और पहला तो संदेश यह दिया कि एक आदिवासी को उन्होंने कुर्सी से उतार दिया, सत्ता से बेदखल कर दिया, सोरेन परिवार को अपने अलावा किसी को सत्ता उसके पास रही है मंजूर नहीं है, ये चलानी शुरू की चीजें। और उसके बाद दूसरा शुरू किया कि चंपाई सोरेन का जो 5 महीने का कार्यकाल था ये झारखंड के इतिहास में सबसे बढ़िया कार्यकाल रहा, जबकि उस कार्यकाल में 2 महीने तो चुनाव में निकल गए थे लोकसभा के, और बीजेपी यहाँ करीब लंबे समय तक सत्ता में रही, बीजेपी के भी 2-3 चीफ मिनिस्टर हुए, लेकिन 5 महीने का कार्यकाल चंपाई सोरेन का इन्होंने इतना तारीफ किया जितनी अपनी सरकारों की नहीं की। तो ये मैं 2-3 महीने पहले से कह रहा था, अपने मेरा जो चैनल उस पर भी कह रहा था कि चंपाई सोरेन को ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, चुग्गा डाल रहे हैं, दाना डाल रहे हैं, और चंपाई सोरेन को आखिरकार इन्होंने अपने ट्रैप में फंसा लिया है। आपको लखेड़ा साहब क्या लगता है कि ये जो 2-2.5 महीने का टाइम बाय कर लिया है मोदी जी ने, शाह साहब ने, चुनाव अब दिवाली के बाद होंगे झारखंड में, महाराष्ट्र में, क्या 2-2.5 महीने में मोदी जी और अमित शाह झारखंड और महाराष्ट्र का सीन बदल देंगे? क्या पैसे से, ईडी से, सीबीआई से, क्या ये सारे खेल करके 2.5 महीने में ये चीज मुमकिन है, या पब्लिक ने वहां मन बना लिया और अब कुछ नहीं होने वाला है? देखिए, ये कुछ भी कर ले आज की तारीख में, ये जितने तंत्र जो गुजरात लॉबी है, अमित शाह हैं या मोदी हैं या इनके तमाम ऑपरेटर हैं, जो जमीनी हालात झारखंड के हैं और महाराष्ट्र के, जो कॉमर्शियल कैपिटल है कंट्री की, देखिए इनका रिवाइवल प्लान जो है वो परवान नहीं चढ़ने वाला है। इसलिए नहीं चढ़ने वाला है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाए, 48 सीटों में 9 सीटें आई हैं केवल, जमीन खिसक गई है। और अब तो यह है कि जो दिल्ली में फटी हुई चादर से सरकार चला रहे हैं, वो सरकार डेली वेज की सरकार है, दाव पेच से चल रही है, 2-2 बिल वापस लेने पड़े, जो गुजरात लॉबी कह रहे थे कि हम तो अश्वमेघ का घोड़ा है, रुकने वाले नहीं है, जन समर्थन खिसक रहा है, और उस जन समर्थन के डर के मारे आप हरियाणा में चारों राज्यों के साथ चुनाव नहीं फेस कर पा रहे। आप इसी मकसद से किया कि हरियाणा दिल्ली के करीब है, यहाँ कुछ पैसा, तमाम तरह की चीजें लोभ प्रलोभन देंगे, जो जातीय तोड़ फोड़ समीकरण करेंगे और कुछ वहां कैप्चर करके, जब वहां जीतेंगे तो कहेंगे कि भाई हम तो जीत गए। तो ये इसीलिए ये डर के मारे झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव नहीं कराना चाहते, जल्दी नहीं कराना चाहते थे। लेकिन मैं साफ साफ आपको बताना चाहता हूं कि ये बुरी तरह हारने वाले हैं महाराष्ट्र में, बुरी तरह हारने वाले हैं झारखंड में, कहीं कोई उम्मीद की लहर नहीं है, उम्मीद की किरण नहीं है कि इनको दोबारा इन दोनों राज्यों में सत्ता मिलेगी। इसलिए कोई ऑप्शन नहीं, जैसा मैंने पहले कहा, कोई विकल्प नहीं है, कुछ नहीं, टाइम बाय करो, टाइम बाय करके जिससे चंपाई सोरेन को जो आने का जो निमंत्रण था दिल्ली कैंप का, वो पहले से तय था, 8-10 दिन से तय था, वो क्योंकि इलेक्शन अनाउंसमेंट हो जाएगा कश्मीर का और 15 अगस्त निपट जाएगा, उसके बाद आपको बुलाएंगे। इनके साथ सीटों की बातचीत हो रही है, विधानसभा में टिकटों के वितरण की बात हो रही है, और कुछ नहीं, ये लास्ट डिच एफर्ट, इसके अलावा कुछ है नहीं, ये टाइम बाय करने की कोशिश है। जी लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि साहब मोदी जी के पास अब फटी चादर रह गई है, और ये फटी चादर भी पांव के नीचे से कोई ना कोई खींच के ले जाएगा, इस तरह का सिनेरियो है महाराष्ट्र और झारखंड में, एनीथिंग कैन हैपन एंड गो अगेंस्ट बीजेपी। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह ही दाल पतली है बीजेपी की। एक आखिरी सवाल आनंद जी पूछना चाहूंगा आपसे, इस तरह की चर्चा हो रही है कि साहब ये जो चंपाई सोरेन है, इनके साथ कुछ विधायक है, चलिए मान लिया 5-6 विधायक है, लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या कांग्रेस के भी 7-8 विधायक, 9-10 विधायक, क्या ये टूट सकते हैं? क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा तो पहले कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, और वही आजकल
झारखंड की डील कर रहे हैं, क्या कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं या ऐसा नहीं होने वाला है? सबको जीत दिख रही है झारखंड में, इसलिए नहीं टूटेंगे। देखिए, आप दूसरी बात जो आपने कही कि सबको जीत दिख रही है, जैसा अभी खेला सर ने कहा, यहाँ जमीन पर आप आएंगे आपको कहीं भाजपा दिखाई नहीं दे रही है, कहीं नहीं दिख रही है। और भाजपा का टिकट अब जीत की गारंटी नहीं रहा। झारखंड तो भाजपा का गढ़ रहा है, आप कह रहे भाजपा नहीं दिख रही वहां पर। वही मैं कह रहा हूँ कि भाजपा का टिकट जो एक समय जीत की गारंटी हुआ करता था, भाजपा का टिकट अब जीत की गारंटी नहीं रहा। अगर गारंटी होता तो सीता सोरेन जीत गई होती, गीता कोड़ा अगर इंडिपेंडेंट लड़ी होती, मैं दावा करता हूँ कि गीता कोड़ा अगर इंडिपेंडेंट भी लड़ती तो चुनाव जीत जाती, लेकिन भाजपा में आई हार गई, विधानसभा का चुनाव जीत गए होते। जी, मैं तो कह रहा हूँ गीता कोड़ा विधानसभा का चुनाव हारेंगी, अर्जुन मुंडा के साथ स्थिति यह है कि विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है हार के डर से। ओहो, ये स्थिति है। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष है, वो आदिवासी सुरक्षित सीट से लड़ना नहीं चाहते, जनरल सीट खोज रहे कि कहां से लड़ेंगे जाकर सुरक्षित। ये वहां के बीजेपी के ट्राइबल नेताओं की हालत है, और इसलिए इनको चंपई सोरेन में कुछ भविष्य दिख रहा है। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि चंपई सोरेन बीजेपी में आ जाए और अपनी सीट अगर जीत के दिखा दे तो मैं जो बोलिए फिर मैं करता हूँ। ये स्थिति बीजेपी की है। चलिए साहब, मैं तो यही कहूंगा कि अमित शाह और मोदी भले ही ऑपरेशन लोटस शुरू कर रहे हो या शुरू कर दिया हो महाराष्ट्र और झारखंड में, लेकिन हमारे दोनों पैनलिस्ट इस बात पर अड़े हुए हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं, अब भैंस पानी में जा चुकी है। अब अगर आप सोचें कि हम पार्टी तोड़कर या हेमंत सोरेन को कुर्सी से उतारकर या स्पीकर को जो है हटाकर या कुछ पैसे देकर या कैश देकर अगर हम सरकार को डिस्टेबलाइज करते, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया और जो स्थिति महाराष्ट्र में है वही स्थिति झारखंड में और कमोबेश वही स्थिति हरियाणा में भी है। तो आप जान सकते हैं दोस्तों कि हालत इस वक्त कितनी खराब है, कितने कमजोर विकेट पर जो है वो अमित शाह और मोदी खड़े। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आनंद जी, आप जुड़े, बहुत कम समय पर मैंने आपको नोटिस दिया लेकिन फिर भी आप आए, खुलकर बात करी, कम से कम झारखंड की धरती से एक बुलंद आवाज आपकी आज सुनाई पड़ रही है। और लखेड़ा साहब, आपका तो भाई साहब कहना ही क्या, खुलकर चीजों को सामने रखते हैं, दूध का दूध पानी का पानी रोज 15 मिनट के अंदर आप कर देते हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड। थैंक यू सो मच सर।